प्राणिक पदार्थों में कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत बहुत प्राणिक होती हैं। उनसे आपको जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, साथ ही वे आपकी नर्व्स यानी तंत्रिकाओं को बहुत बहुत शांत रखती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। योगिक संस्कृति में हम भोजन को तीन वर्गों में बांटते हैं, पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है, जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। तो इफ यू ईट पॉजिटिव प्राणिक फूड, एनर्जी विल रिवर्बरेट इन अ डायनामिक वे। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के तीन कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप, इस पर कई प्रयोग हुए हैं, अगर आप रोजाना एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिए तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिए, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा, साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पियेंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते थे तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। अब जबकि हम चुन सकते हैं, हमें वो चुनना है जो शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह नहीं चुनते तो हम किसी तरह जीकर चले जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। अगर ऐसी चिंताएं हैं, फिर आप इस मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डालते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है तब आपके अंदर मौजूद हर तरह के कीटाणु मर जाते हैं। इससे ऐसा असर होता है कि आपकी ऊर्जा पूरे सिस्टम में समान रूप से बंट जाती है।
और जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब आप अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा जहां चाहे ले जा सकते हैं। तो अगर नीम और हल्दी एक साथ लिया जाए तो इसमें शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़कर ऊर्जा के दूसरे स्तर में बदलने की शक्ति होती है, जिसे ओजस कहते हैं। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान बन जाते हैं। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़ जो आम तौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। सेहत की बात करें, देखिए, आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों ने एक बुनियादी गलती की है। उन्होंने सेहत को सीमित परिभाषा दे दी है कि ये सेहत है, ये सेहत नहीं है। वो आपको बताते हैं आपके रक्त का रसायन विज्ञान, रक्त रसायन ऐसा होना चाहिए, सिर्फ तभी आप स्वस्थ हैं। आप में से कई उन मापदंडों में फिट हो जाएंगे पर फिर भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक तरह का कंपन है, न कि एक सीमित परिभाषा। आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं पर शायद सिस्टम में कुछ चीजें हो सकती हैं कि 10 मिनट बाद आप स्वस्थ ना हों। खैर, 10 मिनट बहुत कम समय लग सकता है, शायद आज शाम तक आप स्वस्थ ना रहें, यह बिल्कुल संभव है। ये सोचना गलत है कि हम सेहत को परिभाषित कर सकते हैं, ये सेहत है, या हम इसे रासायनिक मापदंडों में परिभाषित करके कह सकते हैं यही सेहत है। आपके स्वस्थ होने पर भी सिस्टम के भीतर कई चीजों में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपके बीमार होने पर भी कई चीजें स्थिर हो सकती हैं। तो ये जानने के बाद आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऑल दिस थिंग्स गेट एलिमिनेटेड। अ क्लीन कोलन इज वेरी वाइटल फॉर हेल्थ। एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक या सिद्ध वैद्य या पूर्वी चिकित्सा, तो आपकी स्वास्थ्य समस्या जो भी हो,
सबसे पहले वो आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इस बारे में थोड़ा सचेत हो जाएं कि आप कैसे खाते हैं, तो आपके शरीर में और आपके दिमाग में जो होता है वो बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी ढांचे का निर्माण करते हैं तो एक डिजाइन होती है, एक वास्तुशिल्प डिजाइन होती है, पर एक जरूरी चीज ये भी होती है कि सामग्री की गुणवत्ता और ढांचा बनाना और बनाने की कुशलता जरूरी होती है। सिर्फ इसलिए कि डिजाइन बहुत अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि इमारत महान हो जाएगी। जो सामग्री बनाने में लगती है और कौन बना रहा है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात शरीर के लिए भी सच है। इसकी डिजाइन बिल्कुल ठीक है। It took millions and millions of years to perfect this design. इस डिजाइन को ऐसा बनाने में लाखों साल लगे हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए विकास प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगा, पर शरीर का बनना और इसको बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भोजन करते हैं वो सिर्फ आपकी संस्कृति के बारे में नहीं है। शायद संस्कृतियां उस स्थान में जीवन चलाने की जरूरतों के अनुसार विकसित हुई होंगी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियां वहां उपलब्ध चीजों के हिसाब से और जीवन चलाने की जरूरतों के अनुसार विकसित हुई थीं। वहां की अर्थव्यवस्थाओं और जीवन के हिसाब से, वहां के आजीविका के मुख्य रूप के हिसाब से संस्कृतियों का विकास हुआ। संस्कृतियां कभी भी परफेक्ट नहीं होती। दुर्भाग्य से लोग संस्कृति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति परफेक्ट है। दुनिया में कोई भी संस्कृति परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पीढ़ी में जो अजीब काम आप करते हैं वो कल की संस्कृति बन जाती है। और आप सोचते हैं कि आप ये काम बहुत सचेत होकर कर रहे हैं। नहीं, ये बस होते रहते हैं, है ना? आज आप जो भी बकवास करते हैं अगली पीढ़ी उसे अपनाती है या अस्वीकार कर देती है और उल्टा करना शुरू कर देती है। जो भी हो, इसी पीढ़ी की संस्कृति से अगली पीढ़ी की संस्कृति पैदा होती है। तो संस्कृति के हिसाब से आप जो खा रहे हैं उसका महत्व नहीं है। इस प्रणाली के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इस मशीन को कैसे ईंधन के लिए डिजाइन किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसे देखें, इसे इस तरह समझिए, शरीर की पाचन प्रक्रिया को संतुलन और कुशलता के एक निश्चित स्तर पर रखना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में आप जितना काम करना चाहते हैं उसके लिए कितना खाना जरूरी है। हम अपने सभी वाहनों की ईंधन कुशलता की बात कर रहे हैं। 1950 के दशक को देखें, वो दौर बेहतर थे। अमेरिका में 60 और 70 के दशक की कारें, अगर आप 10 कारों को तोड़ें तो एक युद्धपोत का निर्माण हो सकता है। कार बनाने में वो इतना धातु इस्तेमाल करते थे। अब वो हल्के वाहन बना रहे हैं और इसीलिए एक महत्वपूर्ण पहलू ईंधन कुशलता है। एक मील की यात्रा करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? यहां हम पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में सोचें। यानी हमें ऊर्जा की एक इकाई बनाने के लिए कितना खाना चाहिए? जितना ज्यादा खाना चाहिए उतना सिस्टम पर ज्यादा भार है। तो अगर आप खुद महसूस नहीं कर पाते, तो हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट थोड़ा सा नीम और हल्दी खाकर कुछ गुनगुना पानी पिए, इट विल ब्रिंग दैट सेंस टू यू। तो इससे आप में समझदारी आएगी, क्योंकि शरीर भोजन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया देगा। यह आपको बताएगा कि कब आपने काफी खा लिया है। आप इसे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, पर शरीर की हर कोशिका बोलेगी। बिकॉज नीम एंड टर्मरिक टूगेदर क्रिएट्स अ सर्टेन एक्सेस टू द सेलुलर लेवल। क्योंकि नीम और हल्दी मिलकर आपकी पहुंच कोशिकीय स्तर तक ले जाते हैं कि जब आप ऊर्जा पैदा करते हैं तो ये कैसे बढ़ती है। लोग चाहते हैं कि मैं इंटरनल कंबशन के बारे में बोलूं। तो ऊर्जा किस तरह से बढ़ती है, जिसे एक गाड़ी में ट्रांसमिशन कहा जाता है,
उससे तय होता है कि गाड़ी कितनी कुशल है और एक मात्रा में शक्ति पैदा करने के लिए कितना ईंधन लेती है। इंजन की शक्ति एक चीज है, पहियों तक पहुंचने वाली शक्ति अलग चीज है, बिल्कुल अलग। आज दुनिया की टॉप रेसिंग कारें सिर्फ 2.7 लीटर हैं। यही फॉर्मूला 1 के लिए तय की गई सीमा है, पर वो सबसे तेज मशीन है क्योंकि इंजन में पैदा हुई शक्ति और पहिए तक पहुंचने वाली शक्ति में बहुत कम फर्क है, बिल्कुल कम। यहां ऐसे पिकअप ट्रक हैं जो इंजन पर 700 bhp उत्पन्न करते हैं, पर पहिए तक जो पहुंचता है वो अलग बात है। तो ट्रांसमिशन नाम की एक चीज होती है। तो आप अपने पेट में क्या उत्पन्न करते हैं, वो सब कहां जाता है, वो किस हद तक जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पर आज की दुनिया में लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। अगर आप इसे सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योगाभ्यास हैं, पर उसकी मदद के लिए नीम और हल्दी एक जबरदस्त प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है। और जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं तो आप ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेज सकते हैं। ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेजने का मतलब है, अगर मैं आगे बताऊंगा तो लोग हर तरह की चीजों की कल्पना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं कम बोलूंगा। पर जैसे मैं अभी बोलना चाहता हूं, अगर मैं अपनी ऊर्जा को अपने गले में सचेत रूप से केंद्रित करूं, ऐसा कई गायकों और दूसरे लोगों के साथ हो सकता है स्वाभाविक रूप से, पर अगर आप ऐसा सचेत रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपकी बात का एक अलग असर होगा। अगर आप किसी चीज को देखते हुए अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों की ओर बढ़ाएं, पूरी ऊर्जा नहीं पर ज्यादा ऊर्जा वहां हो, तो आप देखेंगे कि आपकी नजर शक्तिशाली हो जाएगी। सभी की आंखें हैं, शायद 2020 नहीं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नजर की बात कर रहा हूं। हमें इस नंबर का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। 2020 का मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं। तो शायद आपकी दृष्टि सामान्य हो पर शक्ति एक सी ना हो, सभी एक जितना नहीं समझ पाएंगे, एक सी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह कई पहलू हैं। आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा अपने हाथों में केंद्रित कर सकते हैं तो आपका स्पर्श एक अलग स्तर का होगा। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम में ऊर्जा ठीक से भटी हो। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार करता है। जो लोग किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे आयाम हैं। अगर हम इस नीम और हल्दी का उपयोग खाली पेट करते हैं तो एक पहलू यह है कि इसमें आपकी ऊर्जा के एक आयाम को दूसरे में बदलने की शक्ति है। इस अर्थ में योग संस्कृति में इसे अच्छे से समझना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप बहुत ज्यादा नीम खाते हैं तो यह शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। ये उस बात का अच्छा प्रमाण है जो हम हजारों वर्षों से कह रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। आज आधुनिक विज्ञान पहचानने लगा है कि वो कितनी अलग हैं। आपकी त्वचा की कोशिकाएं, आपकी अस्थि मज्जा, आपके शुक्राणु, आपका दिमाग, ये सभी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, लगभग एक अलग जीवन ही है। हालांकि वो सभी एक ही जानकारी में पिरोई हुई हैं, वो बहुत बहुत अलग हैं। और एक चमड़ी की कोशिका पैदा करने में शरीर जितना काम करता है और एक शुक्राणु पैदा करने में जितना काम करता है, एक दूसरी कोशिका जैसे न्यूरोलॉजिकल कोशिका पैदा करने में जितना काम करता है, शरीर के साथ ऊर्जा की भागीदारी अलग स्तर पर होती है।
बहुत से लोग इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वो 25 या 50 साल के बाद मान जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। तो मानव जीवन का एक आयाम है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चमत्कार को समझें, कामुकता के बारे में ना सोचें, बस एक ही कोशिका से दो, ठीक है, पर बस एक सेल से आप एक नया जीवन प्रज्वलित कर सकते हैं जो इस तरह यहां बैठता है। क्या यह छोटी बात है? मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि लोग अपने सिर में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, वो इसका चमत्कार नहीं देख रहे हैं। बस एक सेल से देखिए जीवन किस तरह अंकुरित हुआ है और ये क्या बन गया है कि नहीं? हमने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया है, हमें उसका कुछ करने की जरूरत है, वो एक अलग बात है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है, ओजस का क्या मतलब है? ये है क्या? मुझे दिखाओ, मेरे खून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। ठीक है, आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, उसमें बस रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि आप जीवित हैं। हेलो, आपको साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है, तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। यू विल बी अ ग्लोइंग ह्यूमन बीइंग विद इन एंड विद आउट। आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। शरीर और मन प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कैसे कार्य करते हैं, आप इस पर किस तरह का नृत्य करते हैं, पर एक ऐसे मंच का होना जरूरी है जिस पर आप टिक पाए। आपको यह समझने की जरूरत है, शरीर अंतिम चीज नहीं है, यह शरीर मंच है, यह मन एक मंच है। अगर आप इसे बहुत ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं, तो उमंग और स्थिरता लोग ये नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उमंग मतलब यहां वहां उछल कूद मचाना और स्थिर मतलब मौत। अगर प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं, यानी आप उमंग से भरपूर और स्थिर हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा डांस करने के लिए आजाद हैं। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें। तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं, शरीर के हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं।